नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अनुभवी शिक्षण से संबंधित दादरा एवं नगर हवेली के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कुछ नया बताएं। सबसे पहले मैं आपको इस केस स्टडी अनुभाविक शिक्षण के बारे में बताना चाहता हूँ। अनुभाविक शिक्षण एक ऐसी गतिविधियों का समूह है जिसमें जो पारंपरिक शिक्षा है उसमें जो नॉर्मल सा है कि सबसे पहले पाठ को पढ़वाया जाता है और उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर उसमें करवाए जाते हैं, ये एक पारंपरिक जो गतिविधि थी या पारंपरिक चीज़ें थी, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कुछ गतिविधियाँ इसमें जोड़ दी गई हैं और उन्हीं गतिविधियों के जरिए जो शिक्षक हैं वो आप छात्रों को पुनराभ्यास भी कराते हैं और कहीं ना कहीं उनको शिक्षक इसी तरीके से पाठ का जो ज्ञान है वो भी कराते हैं। तो इसी गतिविधि में के तहत एक अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ सामने आती रहती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं उसी में से मैं आपको एक गतिविधि बताना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है कुछ नया बताएं। इस नए बताएं जो कुछ नया बताएं वाली जो गतिविधि है, इसमें जो अभिभावक हैं उनको विद्यालय के साथ जोड़ा जाता है और एक विद्यालय में जो ऐसे अभिभावक को देखे जाते हैं जो कि अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति सचेत रहते हैं, तो उनके साथ संपर्क साधा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप थोड़ा सा समय निकालकर विद्यालय तक आएँ। अलग अलग छात्रों के समूह भी बना दिए जाते हैं और उसी हिसाब से जो अभिभावक हैं उनको विद्यालय तक बुलाया जाता है और विद्यालय में आने के बाद फिर उनसे उनके जो उनका काम है, जैसे कोई ऐसा है जो कोई कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई मजदूरी करने का काम करते हैं या जो भी अलग अलग तरीके के काम करते हैं, उनको उनके कामों के बारे में पूछा जाता है और वो अपने काम के बारे में बताते हैं। कोई सब्जी बेचने वाला भी अगर होता है तो वो अपनी सब्जियों के बारे में बता सकता है कि मैं इस तरीके से ख़रीदता हूँ, कहाँ जाता हूँ, जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ और ख़रीदने के बाद इतने में मैं ख़रीदता हूँ, इतने में मैं बेचता हूँ। तो कहीं ना कहीं लेन देन का जो तरीका है वो बच्चे उस तरीके से सीख पाते हैं। यदि कोई मजदूर भी है या कोई निर्माण श्रमिक भी है तो वो भी बता पाता है कि मैं इस तरीके से जो घर बनाने में रेत ईंट गिट्टी ये सब चीज़ें लगती हैं और उसमें क्योंकि जो गतिविधियां हैं या जो भी वो काम करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ होता है। तो वही जो मैंने आपको बताया कि मिलाते हैं, जो तीनों चीज़ें मिलाने के बाद रेत सीमेंट गीट ईंट और गिट्टी ये सब मिला के ही भवन का निर्माण होता है। बच्चों को भी इस तरह की कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि जिस विद्यालय में वो बैठे हैं जिसमें वो जो इमारत बनी है वो भी मजदूर ही मिलकर बनाते हैं और वो इस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, इसमें साथ साथ जैसे सीमेंट है तो सीमेंट किस तरीके से बनती है ये जानकारी शिक्षक उन्हें बताते हैं, और भी ईंट कैसे बनती है तो ईंट के बारे में भी जानकारी उनको पता चलती है, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो शिक्षकों के सामने आती हैं तो वो भी शिक्षक अपने स्तर पर भी बताते हैं और कहीं ना कहीं इसमें अभिभावकों को जोड़ा जाता है। अभिभावकों को जोड़ने से कई सारे लाभ होते हैं कि अभिभावकों को ही पता चलता है कि विद्यालय में किस तरीके की पढ़ाई हो रही है और साथ ही साथ में जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं एक प्रायोगिक तरीके से देख पाते हैं और सीख पाते हैं। इस तरह हम आशा करते हैं ये जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरह के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIAI का पेज जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।